अनंत और राधिका की शादी में किया जा रहा है खूब खर्चा। बेटे की वेडिंग में नीता मुकेश दोनों हाथों से लुटा रहे हैं पैसा। 2 साल से चल रहा है अनंत और राधिका की शादी का जश्न। सदी की सबसे महंगी शादी में आएगा 5,000 करोड़ रुपए का खर्च। तो बड़ी दीदी ईशा और भैया आकाश से भी ज्यादा महंगी है अनंत की शादी। आज 12 जुलाई को अनंत अंबानी अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सिर्फ देश दुनिया ही नहीं बल्कि अंबानी परिवार की भी सबसे महंगी शादी साबित होने जा रही है अनंत और राधिका की वेडिंग, जिसमें खर्च होने वाली रकम करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 5,000 करोड़ रुपए। इतनी भारी भरकम रकम में कितने जीरो आते हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए भी शायद आप और हम कुछ पल सोच में पड़ जाएं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे अनंत अंबानी की शादी में मुकेश और नीता अंबानी करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की रकम खर्च कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी रकम अंबानी की कुल संपत्ति का सिर्फ 0.05% है। शादी में किए जा रहे वर्ल्ड क्लास इंतजाम और तामझाम की वजह से अंबानी परिवार का ये मेगा इवेंट पहले से ही लोगों और मीडिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अब इस पूरी शादी में होने वाले अनुमानित खर्चे की वजह से भी अनंत और राधिका की शादी सुर्खियों का हिस्सा बन गई है। अनंत और राधिका की शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों का मुंबई पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश भर की नामी गिरामी हस्तियों के अलावा कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी इस वेडिंग का हिस्सा बनेंगे। हॉलीवुड सिंगर किम कार्दशियन अपनी बहनों संग देर रात ही मुंबई पहुंच गईं। सैमसंग के मालिक ली जी यंग और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी मुंबई पहुंच गए हैं। तो 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में शामिल होने आए सभी मेहमानों के लिए लग्जरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। 5-स्टार होटल्स की बुकिंग करवाई गई है। मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम वर्ल्ड क्लास शेफ्स और मास्टर शेफ्स मिलकर करने वाले हैं। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमानों को प्राइवेट जेट से मुंबई लाया जा रहा है। बता दें कि इस साल मार्च में जब मुकेश अंबानी ने जामनगर में बेटे की प्री वेडिंग रस्मों का आयोजन किया था, तब 3 दिन तक चले इस जश्न में 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। जामनगर में हुए इस फंक्शन में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, इवांका ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट समेत बॉलीवुड सितारों का जमघट लगा था, जिसके बाद मई के आखिर में इटली से लेकर साउथ फ्रांस तक के समुद्री सफर में भी अनंत और राधिका का दूसरा प्री वेडिंग बैश मनाया गया था। वहीं हाल ही में जब अनंत राधिका की शादी की शुभ रस्में शुरू हुई, तब भी हर फंक्शन के लिए देशी विदेशी कलाकारों की परफॉर्मेंस का इंतजाम किया गया। संगीत नाइट में तो अकेले जस्टिन बीबर ही 83 करोड़ रुपए बतौर फीस ले गए। और इन तमाम फंक्शंस में मेहमानों की मेहमान नवाजी, खाने पीने, रिटर्न गिफ्ट्स का खर्चा अलग। वैसे आपको बता दें कि अनंत और राधिका की शादी में 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर मुकेश अंबानी अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अनंत से पहले अपने बड़े बेटे आकाश और बेटी ईशा अंबानी की शादी में भी मुकेश और नीता ने दोनों हाथों से पैसा लुटाकर दिल खोलकर खर्चा किया था। दिसंबर 2018 में जब अंबानी ने बेटी ईशा की शादी की थी, तब इस शादी में उन्होंने अपनी बेटी की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा था। ईशा की सगाई इटली के लेक कोमो में तो प्री वेडिंग रस्में उदयपुर में सेलिब्रेट की गई थी। वहीं ईशा की शादी का इंतजाम एंटीलिया में किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा अंबानी की शादी का अनुमानित खर्चा 900 करोड़ रुपए आया था। ईशा की विदाई के बाद मार्च 2019 में नीता मुकेश अंबानी के घर में बहू श्लोका का वेलकम किया गया था। आकाश अंबानी की शादी में अंबानी ने बेटी की शादी से भी ज्यादा खर्चा किया था, जिसका खर्चा 1240 करोड़ रुपए के करीब ठहरा था। आकाश और श्लोका के प्री वेडिंग फंक्शन स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट किए गए थे, जिसमें क्रिस मार्टिन ने लाइव परफॉर्मेंस दी थी। तो वेडिंग इवेंट में पॉपुलर म्यूजिक बैंड मैरून 5 ने परफॉर्म कर समा बांधा था। आकाश और श्लोका की शादी में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल जैसे नामी हस्तियां शामिल हुई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।